पानीपुरी खाइए और डिजिटल पेमेंट कीजिए। सैलून में बाल कटवाइए, ई वॉलेट से पेमेंट कीजिए। देश के किसी छोटे से गांव में जाइए और ढाबे पर खाना खाइए, या किसी दुकान से सामान खरीदिए, वो भी बिना कैश। फाइव स्टार होटल में लंच या डिनर कीजिए, या फिर किसी बड़े ज्वेलरी शोरूम में जाइए, सिनेमा का टिकट खरीदिए, या किसी नुक्कड़ पर चाय पीजिए या आइसक्रीम खाइए। पेमेंट के लिए कैश की जरूरत नहीं है, सारा पेमेंट कैशलेस हो जाता है, यानी कैश निकालने और बकाया लेने की झंझट नहीं है। ये सब संभव हुआ है नोटबंदी के बाद। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ था। रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट देश में बैन कर दिए गए थे। इस फैसले को आज 6 साल पूरे हो गए हैं और अब धीरे धीरे इस फैसले का असर दिखने लगा है। नोटबंदी के बाद कई लोगों ने तर्क दिया, इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, हम कई दशक पीछे चले जाएंगे, लेकिन बीते 6 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद देश ने कोरोना जैसे गंभीर संकट का भी सामना किया, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इसके लिए देश में डिजिटल पेमेंट क्रांति को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत की डिजिटल क्रांति की तारीफ कर रही है। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल क्रांति की वजह से 20 साल में पहली बार दिवाली के हफ्ते में करेंसी सर्कुलेशन में गिरावट देखने को मिली है, और इसकी वजह है डिजिटल पेमेंट। इस साल दिवाली में देश की कुल करेंसी सर्कुलेशन में 7,600 करोड़ रुपए की गिरावट आई। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में भले ही सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया और आज लोगों के लिए ये पेमेंट का पसंदीदा तरीका बन चुका है। नए बदलाव और सुविधाएं इससे जुड़ने से डिजिटल पेमेंट का और विस्तार हुआ है। भारत में हर दिन करीब 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। दरअसल जैसे ही UPI 2.0 को शुरू किया गया, तो ऑनलाइन पेमेंट में सबसे बड़ी क्रांति शुरू हो गई, क्योंकि इसमें पेमेंट के लिए इंटरनेट की जरूरत ही नहीं थी, और यही इसकी सफलता की वजह बना। इस साल अक्टूबर में 730 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन किए गए, और ये इसके लॉन्च के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं सितंबर में 678 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुए, मतलब देश में छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों में अब डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है, और अब ये लोगों के लिए बेहद आसान हो चुका है। आज हिंदुस्तान अपने डिजिटल पेमेंट के जरिए पूरी दुनिया में उदाहरण पेश कर रहा है। पूरी दुनिया भारत में डिजिटल पेमेंट की तारीफ कर रही है और इसके प्लेटफॉर्म UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपने अपने देश में शुरू करना चाहती है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।